कुछ लोगों की जिंदगी में कई बार ऐसे हादसे हो जाते हैं जो उन्हें दिव्यांगता की तरफ धकेल देते हैं। इन परिस्थितियों में कई लोग जीवन जीने की उम्मीद छोड़ देते हैं तो कई सार्वजनिक जीवन से किनारा भी कर लेते हैं। लेकिन इन्हीं में से एक युवक ऐसा भी है जिसने दिव्यांगता की भट्टी में खुद को तपाकर ऐसा खरा सोना बनाया कि आज वो अन्य दिव्यांगों के साथ साथ सामान्य लोगों के लिए भी बड़ी मिसाल बन चुका है। 25 मई 2012 को एक सड़क हादसे में अपना एक पैर गंवा देने वाले ऊना के मदनपुर निवासी शिवम शर्मा आज ट्रैकिंग और ड्राइविंग की दुनिया में शानदार ख्याति हासिल कर रहे हैं। हौसले की उड़ान इतनी ऊंची है कि आने वाले दिनों में मोटरसाइकिल पर इंग्लैंड तक का सफर तय करने की तैयारी शुरू कर दी है। एक समय था जब दिव्यांग होने के बाद आसपास के लोग भी शिवम को लेकर तरह तरह की बातें करते थे और कहीं न कहीं दिव्यांग होने के चलते उसका जीवन घर की चार दीवारी तक सिमट जाने की बातें कहा करते थे। लेकिन माता पिता का साथ शिवम के लिए वरदान बना और महज 6 महीने में रिकवर होने के बाद उसने हौसले की उड़ान भरना शुरू कर दिया था। महज एक पैर के सहारे शिवम धर्मशाला के त्रियुंड और कल्लू के बिजली महादेव तक की ट्रैकिंग कर चुके हैं। शुरू से ही दोपहिया वाहनों के शौकीन शिवम शर्मा हिमाचल प्रदेश सहित उत्तराखंड और राजस्थान और कई राज्यों की यात्रा मोटरसाइकिल पर मुकम्मल कर चुके हैं। आने वाले दिनों में मोटरसाइकिल पर उनका सफर देश की सरहद से पार यूरोप के इंग्लैंड तक जाने वाला है, जिसके लिए शिवम ने तैयारी शुरू कर दी है। सर 25 मई 2012 में ये मेरा एक्सीडेंट हुआ था और मैं किसी काम वश ऊना को आ रहा था तो एक पीछे से टाटा 407 पीछे से मेरे को हिट करके गई और मैं जैसे ही मैं बाइक से गिरा उससे ब्रेक नहीं लगी और उसके दोनों टायर उसके मेरे ऊपर से निकल गए टांगों पर से। और सबसे दुखद बात यह है, चलो एक्सीडेंट हो जाते हैं लेकिन वो उसके बाद रुका भी नहीं, उसके बाद वो निकल गया और मरती हालत में मेरे को छोड़ गए। किसी लोकल ने मेरे को 30-35 मिनट के बाद, जब मेरा पूरा ब्लड लॉस हो चुका था, उस समय मेरे को वहाँ से दोबारा उठाया गया जो लोकल के जरिए और मेरे को किसी तरह मेरे को हॉस्पिटल पहुँचाया गया। हॉस्पिटल पहुँचने के बाद मेरे को पीजे रेफर कर दिया गया डायरेक्ट, क्योंकि ब्लड लॉस मेरा बहुत ज़्यादा हो चुका था। 16 दिन कोमा में रहने के बाद 16वें दिन जब होश आती है इंसान को और वो अपनी एक टांग देखता है कि वो नहीं है और अपने परिजन आसपास देखता है तो एक तरह से मरण था वो। उसके बाद एक फादर की आंखों में आंसू, एक मदर की आंखों में आंसू, जो मेरे जैसे इंसान तो नहीं देख पाए जो हमेशा दूसरों के लिए जी है। तो बस फिर कुछ बातें जब एक वापस हॉस्पिटल से फ्री हो गए, जब हम आते हैं घर तो आसपास के लोग होते हैं जो आपको, कुछ लोग आपको हौसला देते हैं, कुछ लोग आपको और तोड़ते हैं, और तोड़ने का इन द सेंस के कुछ लोग देखने आते थे कि इसके साथ देख तो कहाँ तक हुई है ना, वो आपको हौसला देने नहीं आते। और कुछ लोग आके फादर के मुंह पे ये कह जाते थे कि अब तो आपका बेटा ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, आप इसको दुकान करा दो, सुबह इसको छोड़ाया करो, शाम को इसको ले आया करो। फादर मेरे थोड़े से इमोशनल इंसान है, वो आसानी से रो पड़ते थे और एक तो मेरी हालत देख के और बाहर की बातों को सुन के उनको ज़्यादा रोना आता था। बस यही चीज़ें अपने दिल पे लगानी थी मैंने, जो मेरे को एक मोटिवेशन चाहिए थी आगे बढ़ने के लिए वो यही थी। दिव्यांग होने के बावजूद शिवम ने महज एक कृत्रिम अंग के सहारे ट्रैकिंग और ड्राइविंग की प्रैक्टिस शुरू कर दी। हिमाचल प्रदेश के दुर्गम ट्रैक्स में से धर्मशाला के त्रियुंड और कुल्लू के बिजली महादेव का सफर तय किया। हादसा पेश आने से पहले शिवम दोपहिया वाहनों के शौकीन थे, लेकिन दिव्यांग होने के बाद भी उन्होंने अपने शौक को मरने नहीं दिया। कृत्रिम पैर के सहारे ही उन्होंने वापस मोटरसाइकिल चलाना शुरू किया। ट्रैकिंग, कैंपिंग और ड्राइविंग के शौकीन शिवम ने हिमाचल प्रदेश का कोना कोना मोटरसाइकिल के सहारे एक्सप्लोर किया। इसके बाद उन्होंने उत्तराखंड और राजस्थान जैसे राज्यों को भी दोपहिया वाहन से नाप डाला। आने वाले दिनों में शिवम मोटरसाइकिल पर ही इंग्लैंड तक का सफर तय करने की योजना पर काम कर रहे हैं। सर मैंने ना एक बहुत टाइम पहले 12-13 में, जब मेरे को पता भी नहीं था ये वाले ब्रांड्स जो भी मैं अभी पहन रहा हूँ टांग के, एक हम लोग एक सोशल मीडिया पे वीडियोस देखते थे जहाँ पे एक टांग पे आदमी और वो किसी कार्ट को खींच रहा है, तो हम पहले ये सोचते थे कि ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता कैसे। फिर जब अपने पे बीती, और वो इंसान सीखता भी तभी है जब अपने पे बीतती है, अपने पे जब बीती और हम करने पे आए सर, तब पता चला ये मुश्किल तो है लेकिन जो लोगों का माइंडसेट है हमारे लिए वो बहुत बदल जाता है। लोग आपको पहले नॉर्मल देखते थे, अब आपको लोग अब नॉर्मल ही देखेंगे, अब आपको लोग हैंडीकैप ही समझेंगे, चाहे हम कुछ मर्जी कर लें लेकिन ये अपनी मानसिकता है, हमने इसको इतना स्ट्रांग कर लेना है कि वो कभी हार ना माने, हम लोग कभी हार ना मान पाए। शिव, आप ट्रैवलर भी हैं और राइडिंग भी आप करते हैं, किस तरह की राइडिंग आप करते हैं और कहाँ कहाँ आप ट्रैवलर जो है वो करते हैं? जी मैं सर मैं बेसिकली हिमाचल से ही हूँ तो पूरा हिमाचल मैंने कवर किया हुआ है और मैं 2-व्हीलर और 4-व्हीलर दोनों का मैं शौकीन हूँ, लेकिन मैं 2-व्हीलर का ज़्यादा शौकीन हूँ। लोग मेरे को अक्सर कहते हैं 2-व्हीलर तुम्हारे लिए सेफ नहीं है, लेकिन सर आई गेस मेरे को इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है कि मैंने अपने लिए वो मैंने सेफ बना लिया है।
और मेरा हिमाचल पूरा कवर हो चुका है सर, मेरा उत्तराखंड पूरा कवर हो चुका है, मेरा राजस्थान पूरा कवर हो चुका है, और लोकल तो हम लोग चलते ही हैं काफ़ी। अब जो मेरा अगले साल का प्लान है, अगर मेरी सारी अप्रूवल्स टाइम पे आती और मेरे को भगवान ने साथ दिया, तो हम चंडीगढ़ टू इंग्लैंड हम टू व्हीलर पे करने वाले हैं सर। तो ट्रैकिंग में भी आपका काफी है। जी 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 मैंने सर एक इधर धर्मशाला में ट्रैक है, त्रिउंड ट्रैक, वो सर 6 किलोमीटर्स का है, और मैंने आर्टिफिशियल लेग के साथ, वो 15 kg बैग के साथ, जिसमें टेंट्स, फूड और सारे कुकिंग के इक्विपमेंट्स लेके, वो मैंने सारा किया है। उसके बाद सर बिजली महादेव हमने किया है, वो अप्रॉक्सीमेट 32 किलोमीटर्स के आसपास का है, वो भी सर मैंने कम्प्लीट किया है ऐसे ही। निश्चित रूप से शिवम शर्मा हर दिव्यांग व्यक्ति के लिए एक बड़ी मिसाल के रूप में उभर कर सामने आए हैं। शिवम शर्मा का कहना है कि दिव्यांग होने से न तो किसी का जीवन मिट जाता है, न थम जाता है, और न ही कोई घर की चार दीवारी में कैद होता है। अपने हौसले को बुलंद रखिए, और यही बुलंद हौसला इसी दिव्यांगता के साथ आपके जीवन में बड़े बड़े मुकाम हासिल करने में आपका सबसे बड़ा सहारा बनेगा। उन्होंने कहा कि जीवन में किसी भी चुनौती का सामना सकारात्मकता के साथ करना चाहिए। एक कभी हार मत मानना, शरीर आपके साथ नहीं है कोई बात नहीं, आपकी सोच आपके साथ होनी चाहिए, आप इतने अंदर से आप इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि आप कभी हार ना मान पाए, चाहे कोई भी सिचुएशन आ जाए। पंजाब केसरी टीवी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।